इसको कबूल कर लें उसको फिर नहीं कहा जाएगा अमीन शमीन। हाँ वो तुम तहकीक करो, अगर उन्होंने मुझे बेटा फिर अमीन शमीन ना कहें कि उनकी वजह से, कहें बस ऊपर अल्लाह नीचे शेख अमीन है, उनकी वजह से, मेरी वजह से, ये मेरी फूती उनकी वजह से, अपनी जाती वजह से, अपनी जाती से अमीन शमीन हूँ। लेकिन अगर उन्होंने, फिर तुमको ख्याल करना चाहिए, तुमको ऐसा आदमी उन्होंने दे दिया है, हाँ जी, और नबी के पैगाम तुम तक पहुंचाता है और ऐसी तफसीर से बात करता है कि पानी और दूध अलहदा कर देता है। हाँ वो अलहदा मैंने कर दिया, तो नबी के इनकी शिकल में शैतान नहीं आ सकता, और उसको सोते जो जाते देखेगा तो उनसे कोई पूछ ले, तो इनमें ये बात नहीं है, ना ताहिर कादरी में है ना उस कादमी साहब में है, बाकी ये अकीदे में अच्छे हैं, लेकिन इनके दूर हैं उन चीज़ों से कि लोगों को नबी के करीब और उनके रबते का तरीका बताएं, ये इनके पास नहीं है, बातें इनके पास हैं, लेकिन मेरे पास वो है अल्लाह। मैं तुमको नबी का खुदा की कसम, करोड़ कसम, अगर तुम तीन चीज़ें कर लो, मेरे कसम के बगैर तुम्हारा नबी के से रबता और फजा बननी शुरू हो जाएगी और आमने सामने की भी सूरतें शुरू हो जाएंगी, तो तुम्हारा यकीन कैसे ना बनेगा कि शेख अमीन ने नबी का सामना करा दिया। हाँ तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। बाकी ये तीन चीज़ें फना फिशे हुबुशे अगर हो गया तो तकाजा कर्म आ जाएगा, और मुझे उन्हें रखा नहीं रखा है ये भी साबित हो चुका है, और ये पूछना है तो नबी से पूछें, क्योंकि नबी की शिकल में शैतान नहीं आ सकता, और रहमतुल्लाह आलमीन बता देंगे, लेकिन पूछे कौन, उनका रबता ही नहीं है। अगर रबता उनसे है तो तुम्हारे तरीकत में इक्का दुक्का है, यानी एक इक्का दुक्का है, चंद एक इक्का दुक्का है, एक नहीं इक्का दुक्का, तो खुदा का शुक्र करो। तो मैं अमीन शमीन कहूं, अगर तुम ऐसे समझते हो कि अगर उन्होंने ये हकीकत है, तुम मुझको अमीन शमीन न कहो, तुम यही कहो इस नेमत को देखे, जैसे अरब में मोहब्बत से कहते हैं कि जिसको देखते हैं वो उससे खैरें आती है, उसके राबता खुदा रसूल से है, तो फिर कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे वो है, ऐसे तुम तसव्वुर करो, शायद अल्लाह तुमको दिखा भी दे कि ऊपर अल्लाह नीचे शेख अमीन। मैं अपने को कहूँ अमीन शमीन, तुम न कहो, मतलब बड़े मजे की बात है, आका जो खुश हो रहा है, खुदा की कसम खुश हो रहा है कि पैगाम हिकमत से पूछाता है, और कहा भी एक दफा नबी जी ने कही तुमको हिकमत दी गई है, सही ऐसे फरमा। इसलिए मेरी किसी ना पीर से लड़ाई है ना लीडर से लड़ाई है, मैं सबकी खैर जानता हूँ, और उनकी खैर तभी होगी जब इनको नबी आज़म से मुआफ़कत होगी, इसी कहते उनसे मुआफ़कत होनी चाहिए या उनसे मुखालफत होनी चाहिए। हाँ तो ये कोशिश करें, ये इनको मैंने यहाँ तक नबी के इनका पैगाम ला के दे दिया है, बाकी दुआएं मैं भी मुल्क के लिए करता हूँ, आप भी करता हूँ, इनकी मर्ज़ी मानेंगे तो ठीक है, नहीं माने तो इन्होंने बहुत बड़ा अपने हाथ से एक नेमत गवा दी कि नबी करीम तवज्जो देने वाले हैं, लेकिन इन्होंने उनकी तवज्जो से एराज किया, नहीं रुख दिया, तो फिर इनसे जैसे इनका बड़ा, इनसे बड़ा बदबख्त दुनिया में फिर नहीं है, जिनको नबी करीम तवज्जो देने के लिए तैयार हो जाए। ये छोटी नेमत है बड़ी है।